दोस्तों आप में से बहुत लोगों का यही प्लान था कि भाई Realme Buds क्यों लॉन्च होगा और वैसे ही खरीद लूंगा ये ईयरफोन को, क्योंकि ये जो ईयरफोन है वो किलर प्राइस टैग पे आएगा, किलर स्पेसिफिकेशन में आएगा और लुक वाइज पे भी अच्छा खासा ईयरफोन है। तो आप में से बहुत लोग का यही प्लान था कि भाई खरीदूंगा, तो आज मैं बताऊंगा कि Realme Buds क्यों आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, अगर आपको खरीदना है तो कहाँ से खरीदोगे, इसके ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो बना दूंगा। इन फ्यूचर जल्दी से आ जाएगा, जब ये लॉन्च हो जाएगा तभी एक वीडियो अच्छा खासा आ जाएगा। मैं आपको स्पेसिफिकली ये बोल दूं कि भाई ये जो Realme Buds क्यों है वो लॉन्च नहीं हुआ है और मुझे पता है इसकी क्या की स्पेसिफिकेशन है और ये कैसा दिखेगा और सारी चीज़ें मुझे पता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया Technical070 तो भाई जरूर जाके फॉलो कर देना। गाइस आज मैं बताऊंगा कि भाई Realme Buds क्यों आपको खरीदना चाहिए कि नहीं और कुछ ऐसे आपको रीजंस दूंगा जो जेन्युइन होंगे, मैंने कुछ चीजें रिसर्च की है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और ये जो Realme Buds क्यों है ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक, और ये जो वीडियो है लॉन्च होने से पहले बना रहा हूँ। तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई लॉन्च होने के बाद कि भाई तू कैसे बोल सकता है, तूने की स्पेसिफिकेशन नहीं बोली, तूने प्राइस टैग नहीं बोली। तो ये वीडियो है ना लॉन्च होने से पहले ही अपलोड हो रहा है। अभी बात आती है कि भाई ये जो Realme Buds Q है बाहर के कंट्री के रीजन में लॉन्च हुआ है, तो अभी बात आती है कि भाई ये Realme Buds Q आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहली बात, इसका जो डिज़ाइन है वो प्लास्टिक होगा और ग्लोसी प्लास्टिक की भी हमें फिनिश मिल सकती है इसमें। हमें इसमें टच सेंसर वाला मिलेगा, मतलब आप ऐसे स्वाइप अप करोगे और दबाओगे तो आपको अच्छे खासे जेस्टर्स वाले कंट्रोल सिस्टम मिल जाएंगे। तो ये थोड़े बहुत स्पेक्स हैं। इसका जो लुक वाइज है, इसका जो ईयरफोन का वेट है उसकी वजह से हम ये ईयरफोन को खरीद पाते हैं और ये ईयरफोन बहुत किलर प्राइस टैग पे आता है कि भाई अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, मतलब बहुत कम प्राइस टैग ऑप्शन में आएगा और ये बहुत क्लियर स्पेसिफिकेशन और प्राइस टैग ऑप्शन देगा। इसका जो बीस है, इसका जो साउंड है वो आपको पबजी में खेलने में मदद करेगा, या फिर अगर आप फोर्टनाइट या पबजी खेलते हो तो भाई अच्छे से आपको नॉइस कैंसिलेशन मिलेगी। अगर आप इसको फोन करते करते यूज करो तो आपको अच्छी खासी बेस भी मिल जाएगी और आपको क्लियर कट आपकी आवाज उसको जाएगी और आपको उसकी आवाज आएगी। ये जो स्पेसिफिकेशन दे रहा है वो हर कोई प्रोडक्ट नहीं दे पाता ये प्राइस टैग ऑप्शन में, जैसे कि इसका माइक्रोफोन और इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है, इसका जो बेस है और इसका जो लुक वाइज है, इसका जो वेट है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा ठीक ठाक है, बस ये बता दो। अभी मैंने एक तरीके से आपको एडवांटेज बता दिए, बट मैंने आपको डिसएडवांटेज नहीं बताए जो आपको बताना चाहिए। पहला और आखिरी एडवांटेज ये है कि भाई हमें इसमें माइक्रो USB मिलता है। रियलमी अच्छा काम करता है, अच्छे फोन्स निकालता है, अच्छी की स्पेसिफिकेशन देता है, वो भी प्राइस टैग ऑप्शन में बहुत अच्छी चीज़ें देता है। अगर आपको USB टाइप सी वाला ईयरफोन चाहिए तो ये ईयरफोन आपका लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स, मैं भी इवन अभी, मैं जब भी अपना नया ईयरफोन लूँगा ब्लूटूथ में या फिर नेक वाला में जब भी लूँगा तब मैं इसमें USB टाइप सी वाला पोर्ट वाला ईयरफोन लूँगा, क्योंकि USB टाइप सी इन फ्यूचर भी बहुत सारे आएंगे ईयरफोन जिनमें USB टाइप सी सपोर्ट मिलेगा और USB टाइप सी एडवांस पोर्ट है तो उस हिसाब से हमें मिलना चाहिए। बट Realme ने somehow कुछ रीजंस के हिसाब से नहीं दिया, कॉस्ट कटिंग करनी थी तो Realme ने शायद नहीं दिया, तो उस पर मैं अभी कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आपको बुरा लगा हो कि भाई मैंने Realme के बारे में कुछ बोला तो उसके लिए सॉरी। और ये जो वीडियो मना रहा हूँ ये लॉन्च होने से पहले मना रहा हूँ, तो आप प्लीज़ यार अगर आप लॉन्च होने के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार बोलने से पहले सोचा करो। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही था, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।